ऑलराइट फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त आयुष और आप देख रहे हैं द अमेरिकन वीडियो। तो गाइस, आज है 19 अगस्त और समय हो रहा है अराउंड 12:43 की रात के, सुबह के 12 बजे जो उतर ठीक है। तो गाइस, एक सडन प्लान हुआ है, तो हम सब जा रहे हैं शिरडी की तरफ। तो पहला प्लान ऐसा है कि यहाँ से हम जाएंगे नासिक, नासिक में से फिर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, फिर वहाँ से हम जाएंगे शिरडी, और शिरडी से फिर शनिपुर जो कुछ भी आसपास जो भी प्लेसेस हम कवर करते हुए मंडे को आएंगे रिटर्न। तो एक ये थोड़ा सा रफ ब्लॉग होने वाले हैं, शॉर्ट ब्लॉग होने वाले हैं। ट्रेन ऑलरेडी क्या है कि 2 घंटे डिले यार, 12:25 पे जानी चाहिए थी, लेकिन ट्रेन आने वाली है अब 2:10 पे। तो देखिए तब तक कितना डिले है, देखते हैं कब तक आती है। तो गाइस, ट्रेन ना बहुत ज़्यादा लेट हो जा रही है। पहले तो ओरिजिनली 12:25 की थी, फिर उसके बाद पता चला हमें कि यह डिले हो रहा है। तो डिले में अब सुबह में आया कि 2:05 तक आएगी। तो अब थोड़ी देर बाद अब पता चल रहा है कि यार अब ट्रेन आएगी 2:50 तक। पता नहीं काहे इतना डिले हो रहा है और कब कहीं और डिले ना हो जाए। तो प्लान में थोड़े चेंजेस हो सकते हैं, हो सकता है हम जो डेस्टिनेशन बाद में जाने वाले थे वो पहले जाएँ। तो अब देखते हैं क्या होता, बने रहिएगा ब्लॉग पर। तो गाइस, नासिक से हम निकले त्र्यंबकेश्वर की तरफ, तो वहाँ से हम जगह जगह अब बाकी चीज़ें भी जो हैं यहाँ पे आसपास उसके भी दर्शन करते जाएंगे। तो अभी हम आए हैं लक्ष्मण जी मंदिर में, ये वही प्लेस है लक्ष्मण जी ने सूर्पनखा की नाक काटी थी। चलिए आपको उस प्लेस की एक झलक दिखाता हूँ। अभी हम लक्ष्मण जी मंदिर से निकले, उसके बाद सर्वधर्म मंदिर में गए, उसके बाद उसके क्लिप्स आपने देखी होंगी। अभी हम आए हैं संगम में, यहाँ पे गोदावरी और कपिला नदी का संगम होता है। तो मैं आपको जल्दी दिखाता हूँ दोनों को। एक नदी इस तरफ से आ रही है और दूसरी नदी उस तरफ से आ रही है, और यहाँ से ये आगे जाके संगम होके वो आगे निकल जा रही है। तो ये है गोदावरी कपिला संगम। गाइस, ये वो प्लेस है जहाँ से सीता माँ का हरण किया था रावण ने। ये एक लौता ऐसा मंदिर है जहाँ पे सीता माँ की मूर्ति अकेली है, मतलब जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ पे आपको चारों दिखेंगे, राम जी दिखेंगे, लक्ष्मण जी, हनुमान जी भी दिखेंगे, पर यहाँ पे सीता माँ अकेली दिखेंगे। गाइस, अभी हम जा रहे हैं सीता गुफा की तरफ जहाँ पे सीता माँ रहती थी। तो चलिए हम आपको वहाँ दिखाते हैं, अगर वहाँ फोटोग्राफी अलाउ हुआ तो हम देंगे, वरना फिर कुछ नहीं कर सकते भाई। Thank you.
तो गाइस अभी हम निकले हैं सीता गुफा से यार, बहुत ही मतलब कह सकते हो कि सफोकेशन था, क्योंकि ना छोटी छोटी सी छोटी सी गुफा आपको बैठ के कभी बैठ बैठ के उतरना है, देन बैठते हुए चढ़ना है, तो आपको पूरा झुकना है यार, पूरी जैसे आप बोलना कि किसी कुबर में मिले हो तो वैसे आपको पूरा, वैसे आप पूरा झुकोगे तब आप उसको सीढ़ियों से उतरोगे, देन उसके बाद ही आप उसको चढ़ोगे। तो कह सकते हो कि अगर आप मतलब कि ज़्यादा हाइटेड वालों के लिए भी दिक्कत है, थोड़ा सा ज़्यादा जो मोटे लोग हैं क्योंकि बहुत सकरा रास्ता है इसमें भी, और थोड़ा जो एजेड लोग हैं क्योंकि क्या है कि जो एकदम से डाउनफॉल होता है और चिकना है बहुत, तो उस वजह से ना काफ़ी स्लिप होता है, इस वजह से काफ़ी संभाल के ही चलना पड़ता है क्योंकि बहुत ज़्यादा पतला है और सकरा रास्ता है, इसीलिए तो बड़ी मुश्किल से, वैसे तो पूरा प्रोहिबिटेड था कि फ़ोटोग्राफी आपको वहाँ पर नहीं करना है, समहाउ आई गेट अ चांस, सो मैंने एक फोटो सा क्लिप निकाला है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। यार आज तो डे वन है, इतना सब कुछ हो रहा है, मैं क्या बताऊँ, मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा कि क्या क्या ब्लॉग में डालूँ क्या क्या ना डालूँ, तो देखते हैं आगे क्या होता है। सो मैंने रही इस वीडियो पे, बहुत कुछ देखने मिलने वाला है आपको। बाय बाय।